हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पाकीज़ा, जिसके लिए हमने यहाँ पे हाफ केजी चिकन लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चुटकी फूड कलर ऐड कर देंगे अब यहाँ पे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें ऑयल डाल देंगे। 2 to 3 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल डालना है। 3 से 4 लौंग डाल देंगे यहाँ पे, बड़ी इलायची, काली मिर्च, शाही ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, ये जैसे ही तड़कने लगेगा हम इसमें प्याज और लहसुन डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज ऐड कर देते हैं और कुछ लहसुन। यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं हमने। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पे हम अब काजू डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भुन चुका है। अब हम इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। जब तक मसाला ठंडा होता है हम चिकन को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हम इसमें बटर भी डालेंगे। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये बटर को जलने ना दे। अब हम इसमें बटर ऐड करने वाले हैं। अब हम बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब चिकन को बटर में ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। अब इसे चला लेंगे, चेक भी कर लेते हैं ये हुआ या नहीं। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो हम इसे ढक देते हैं। चलिए अब मसाला ग्राइंड कर लेते हैं। जब तक हम मसाला ग्राइंड करेंगे तब तक हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए मसाला अब ग्राइंड हो चुका है। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं।
अब इसे 5 मिनट और पकाएंगे। अब ये तो रेडी हो चुका है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें भी ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और फिर इसमें बटर ऐड कर देंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। अब उसी मसाले के जार में थोड़ा पानी डाल के वो भी ऐड कर देंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होता है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम फ्रेश मलाई से क्रीम बना लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश मलाई ले लेते हैं। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड कर देंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारी क्रीम अब रेडी है। ये देखिए अब मसाला भून चुका है। अब इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। इसे चला लेते हैं। ये देखिए अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। थ्री टेबल स्पून हमने यहाँ पे क्रीम ऐड की है। अब यहाँ पे हम ग्रेटेड चीज ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से चला लेते हैं। यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं जो हमने बारीक काट लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे ढक देते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, ये बहुत प्यारा दिख भी रहा है। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है। अब हम इसे कोरिएंडर लीव से गार्निश कर देंगे, ऊपर से चीज भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन पाकीज़ा बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी और दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।